नमस्कार एक्सप्रेस स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा और सबसे पहले खबर आपको बता रहे हैं जहां बिलासपुर में कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उन पर कथित तौर पर CRPC की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप है। उन्होंने बिलासपुर में मुफ्त राशन देने की घोषणा की जिसके बाद उनके घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। बताया गया है कि लॉकडाउन के बीच में जनता को परेशानी ना हो इसके लिए विधायकों ने जरूरतमंदों के राशन देने के लिए बुलाया था, लेकिन इस दौरान खूब भीड़ जमा हो गई जिसे पुलिस ने कानून का उल्लंघन माना है और इसके खिलाफ केस दर्ज भी कराया है। इधर विधायक शैलेश पांडे का कहना है कि वे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर काम कर रहे हैं, उन पर केस दर्ज होना जनता के चुने हुए प्रतिनिधि का अपमान है। राजपुर विधायक शैलेश पांडे जिसके द्वारा आसपास के लोगों को भारी संख्या में राशन और सामग्री वितरण करने के लिए बुलाया गया था। वर्तमान में राज्य शासन ने जो धारा 144 लागू किया है उसका उल्लंघन पाया गया, जिसके तहत उनके तहत उनके ऊपर 84 दोनों 269 IPC के तहत कार्रवाई की गई। एडिशनल SP साहब को मैंने बताया, मैंने कहा मेरे बंगले में इतनी भीड़ आ गई है, आप तत्काल गाड़ी भेजिए, पुलिस सुरक्षा भेजिए। तत्काल पुलिस सुरक्षा आई, जैसे ही पुलिस सुरक्षा आई मैंने उनकी मदद करी, उनको अंदर लेकर आया, उनकी गाड़ी में बैठ के मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, पब्लिक से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ से जाने के लिए। मैंने वहाँ बोला मैंने उस भीड़ को वापस अपने घर में जाए, उसके लिए मैंने कानून की मदद करी, कानून को बताया। मैंने कौन सा कानून का खिलवाड़ किया, कौन से किया मैंने? और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज शैलेंद्र पाठक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, स्थिति काफी बेकाबू नजर आई थी बिलासपुर में जब विधायक शैलेश पांडे ने इस बात का ऐलान किया था कि मुफ्त में सामग्री मिलेगी खाने पीने की चीजों की, ऐसे में स्थिति कैसे काबू में हुई और क्या वाकई में FIR दर्ज होने वाला है शैलेश पांडे जी पर? तो FIR हो गई है जी, इस तरीके से वहाँ और का पुलिस ने जो है शैलेश पांडे विधायक ने बड़ा सवाल उठाया कि जो जितने में रहते हैं वहाँ पहले से महापौर का निवास है, आई का निवास है, महाधिवक्ता का घर है, तो ऐसे में जैसी जगह पे इतने लोग इकट्ठा हो गए तो पुलिस को क्यों नहीं पता चला? और फिर वो उनका ये कहना है कि वो कानून का उल्लंघन किस तरीके से नहीं कर रहे थे, किस तरीके से लोग आए थे तो वहाँ उन्होंने भीड़ देख करके खुद ही पुलिस को बुलाया और SP को फोन लगाया, SP ने फोन नहीं उठाया, एडिशनल SP ने फोन उठाया और उनको बताया और वो आप पहुंचे तो उनसे माइक से उन्होंने खुद ही रिक्वेस्ट किया लोगों से कि भीड़ है वो चले जाए, जो भी राशन का सामान है उनको पहुंचा दें। लेकिन प्रथम रिश्ता इसको शासन नहीं, इसको सबसे बड़ी बात ये है इसको शासन ने संज्ञान दिया, शासन ने खुद रिपोर्ट करी है विधायक के खिलाफ और मामला दर्ज हुआ है जो विधायक के खिलाफ, तो उसमें शासन स्वयं प्राप्त की है, मतलब उस मामले में तरीके से लोग इकट्ठा हुए उसको गंभीरता से लिया गया, कोरोना का कहर जारी है जिससे लोगों की पूरी सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है और इसके खतरनाक होने के कारण बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए चैलेंज।